अजय कुशवाहा जी के लिए पॉपिंग करना यानी शरीर के हर अंग को हिलाना बड़ी मुश्किल बात होती है और ये एक डांस की विधा है जो कि बहुत अच्छे से हमारे चंचल मेवाड़े भी इस विधा में बहुत मशहूर है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार चंचल और दोनों साथ करें, जोरदार तालियां चाहेंगे। तो आइए चंचल और हमारे अजय कुशवाहा जी, ये कॉम्पिटिशन से अलग है लेकिन हम ब्यावरा और नरसिंहगढ़ में जो अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं, बच्चों को दी जा रही हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम अगर अजय जी आप थक गए हो, देखे साथ उनका, ठीक है चलिए। तो जोरदार तालियां चंचल फायर डांस ग्रुप और हमारे अजय जी कुशवाहा ब्यावरा से। दोनों पुनः मनीष जी से चाहूंगा कि सॉन्ग को रिपीट करें एक बार, थोड़ा आगे बढ़ा देना। हमारे चंचल जी भी क्लास चलाते हैं और हमारे नरसिंहगढ़ में एक खास बात है कि यहाँ आर्थिक रूप से किसी का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ जितनी भी विधाएं सिखाते हैं, अगर आपके पास फीस हो ना हो, बस आप सीखना है तो आ जाइए। चाहे वो आपका क्लासिकल डांस हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो सैन्य प्रशिक्षण हो, यहाँ सभी के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो अजय जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस के बाद तो आपने मेरी हालत देख ली है, क्या लगता है कि एनर्जी लगी होगी? 50 प्लस भाई, बताओ जोर से लगी होगी एनर्जी? यार बहुत एनर्जी लगती है यार भाई, देखना ही चाहिए। यहाँ मंच पर आओ और करो, और बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे को बहुत मजा आया और काफी एंजॉय करा मैंने। थैंक यू। आप अपने ट्राइपॉड नहीं लाए करें, वास्तव में यहाँ पर एक मिनट पाँव को घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखने में आसानी है लेकिन प्रस्तुति देने में व्यक्ति को लगता है कि उनकी सांसें फूल जाती है और इस प्रस्तुति के लिए ममता दीदी द्वारा उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार नगद दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और अगली प्रस्तुति यहाँ पर कथक के रूप में, अभी आपने सभी फॉर्मेट देखे हैं, अभी और भी है, राजस्थानी भी है अपने पास, लेकिन कथक के रूप में जहाँ प्रस्तुति देने जा रही है कुमारी प्रगति उपाध्याय पचोर से, जोरदार तालियां उनके लिए। कुमारी प्रगति उपाध्याय जो कि पचोर से हमारे बीच आई हैं, वे यहाँ पर कथक शैली में अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रथम पुरस्कार यूअर ग्रुप्स की तरफ से है और द्वितीय पुरस्कार फायर डांस ग्रुप की तरफ से है, तृतीय पुरस्कार हमारे शर्मा जी जो है उनकी तरफ से है तृतीय पुरस्कार। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रगति उपाध्याय को, जो कि यहाँ अपनी प्रस्तुति कथक में देंगी। पचोर से यहाँ पधारी हुई है, जोरदार तालियां उनके लिए।
प्रगति के लिए। इसके पश्चात आद्या महेश्वरी तैयार हैं, वो भी पचोर से बिलोंग करती हैं और क्लासिकल की प्रस्तुति देंगी। तो आपके यहाँ अभी कथक, क्लासिकल, हिप हॉप, राजस्थानी सभी डांस आपको देखने को मिल रहे हैं। इन प्रतिभागियों को जो पुरस्कार प्राप्त होगा वो प्रथम पुरस्कार जजेस के निर्णय के अनुसार 21,000 रुपये होगा, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये का रहेगा। तो ये सभी पुरस्कार इनको प्रोत्साहित करने के लिए है। केवल राशि मनोबल बढ़ाती है लेकिन उनकी कलाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ आज जो मंच दिया है वो केवल फायर डांस ग्रुप द्वारा दिए गए हैं। तो मैं चाहूँगा किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। चंचल जी क्या करें, दूसरे को आमंत्रित करें आगे धर्म में। अच्छा यहाँ इस जगह पे लगा लें वहाँ से बढ़िया चलेगा। जोरदार तालियां प्रगति उपाध्याय के लिए जो कि पचोर से कथक शैली में यहाँ पर डांस प्रस्तुत करेंगी। और आपको ये भी बता दूं मैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के अतिरिक्त सभी को, जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है, सांत्वना पुरस्कार सभी को मिलेगा। ट्रॉफी आप देख रहे होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय की तैयार है, उसी के लिए सांत्वना पुरस्कार भी सभी जिन्होंने भाग लिया है उनको दिया जाएगा। तो ये कथक की प्रस्तुति प्रगति उपाध्याय। कथक की प्रस्तुति यहाँ पर दी है तो हम उनके एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कैसा लगा। अभी सांसें चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके सामने परफॉर्म कर। मेरा यहाँ परफॉर्म करने का सबसे बड़ा मोटिव कथक को सब तक पहुँचाना है, ये बताना है कि
क्लासिकल डांस भी, जो कि आजकल कम देखने को मिलता है। तो बस क्लासिकल डांस को, हमारे कल्चर को लोगों तक पहुंचाना ही मेरा मोटिव है। वास्तव में अभी हम जो देख रहे हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं, पेपरों में देखते हैं कि वेस्टर्न पैटर्न के डांसों की जो शैली है वो बढ़ती जा रही है, जबकि क्लासिकल में, कथक में या बहुत सारे हमारे प्रदेशों के अलग अलग डांस होते हैं। मालवा की एक अलग शैली है। हेलो, चलिए, मालवा की एक अपनी अलग शैली है, राजस्थान की अलग शैली है, गुजरात की अलग शैली है, हर प्रदेश की अपनी एक शैली है। तो हम को यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं पचोर से ही आद्या महेश्वरी पचोर से ही पधार रही हैं। जोरदार तालियां उनके लिए कि क्लासिकल डांस की आपको हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसअप में महेश्वरी पचोर। एक बार इनके